की हर्ष वायरिंग। तो बड़ी जानकारी अमरोहा से आपको बता रहे हैं, जहां हर्ष वायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। बारात के दौरान युवक ने हर्ष वायरिंग की है, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए युवक नजर आए, तो युवक ने बग्घी पर खड़े होकर कई राउंड फायरिंग किए हैं। गाइडलाइंस है, नियम है, लेकिन नियमों की किस तरह से अवहेलना है उसकी तस्वीर जो है बानगी दर्शा रही है। तो ये अमरोहा की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से हर्ष फायरिंग करता हुआ ये युवक नजर आ रहा है। तो सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज स्टेट पर अमरोहा से आप देख रहे हैं, जहां किस तरह से हर्ष फायरिंग करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। तो नियमों को ताक पर रखकर कई राउंड फायरिंग बग्घी पर खड़ा हुआ ये युवक नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गजरौला थाना क्षेत्र के हाईवे रिजॉर्ट होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस की जांच पड़ताल भी जारी। हालांकि कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले आए दिन जो है सामने आते हैं। कोर्ट की गाइडलाइंस है, लेकिन किस तरह से लोग नियमों की अनदेखी करते हैं, धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। इस बार ये बानगी अमरोहा में एक बारात के दौरान युवक की तरफ से दी गई, तो युवक हर्ष फायरिंग करता हुआ ये तस्वीर में नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी खबर भी अमरोहा से है, जहां शादी समारोह में मारपीट का वीडियो वायरल। तो होटल स्टाफ और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तो शादी समारोह के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि अमरोहा के बचलाऊ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला शादी समारोह के बीच देखिए किस तरह से मारपीट होते हुए ये नजर आ रही है दो पक्षों के बीच। किस बात को लेकर ये मारपीट है ये साफ नहीं, लेकिन देखिए ये मारपीट का जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर अमरोहा से आप देख रहे हैं, शादी समारोह के दौरान ये मारपीट यहाँ पर किस बात को लेकर कहासुनी होती है, फिर कहासुनी किस तरह से मारपीट में तब्दील होती है। हाथों में आपको देखिए किस तरह से कुल्हाड़ी और कुछ हथियार मौजूद नजर आ रहे होंगे कुछ लोगों के हाथ में, जिनसे हमला यहाँ पर बोला जा रहा है। हालांकि कुछ लोग जो है इस भीड़ में बीच बचाव करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो सामान भरने जा रहे कैंटर को लेकर ये विवाद यहाँ पर देखने को मिला। बचराऊ थाना क्षेत्र के एक होटल का ये पूरा मामला है, जहां शादी समारोह के दौरान ये मारपीट हुई है। तो सामान भरने जाने को लेकर ये टैंक को लेकर विवाद देखने को मिला। और अब हाथरस से बड़ी खबर है, मिठाई की दुकान पर अज्ञात